नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। इस बार के लोकसभा चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका लगा है। कारण कहीं ना कहीं कई देखे जा रहे हैं, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह WFI के जो मामला कहीं ना कहीं उठा था, यौन शोषण का मामला उठा था, इसमें बृजभूषण शरण सिंह बुरी तरह से फंसे हुए थे। बृजभूषण शरण सिंह केसरगंज से पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी काटती नजर आई थी। इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा था और उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट सौंप दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी भले ही करण भूषण सिंह केसरगंज की सीट से सांसद चुने जा चुके हों, लेकिन सांसदी की शपथ लेते नहीं नजर आए और यही एक अहम वजह बनी, यही एक बड़ी वजह बनी बृजभूषण शरण सिंह की हार की। इस बार बृजभूषण शरण सिंह को जिस हिसाब से बड़ा झटका कहीं ना कहीं लगा है, और उसके बाद लगातार जो तमाम विभाग तरह से बयान देते नजर आ रहे हैं, कभी योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाते हैं, कभी मोदी जी पर सवाल उठाते हैं, कभी भारत की रणनीति और भाजपा की रणनीति पर सवाल उठाते हैं, और तमाम रणनीतियों पर कटाक्ष करते नजर आते हैं। ये वही बृजभूषण शरण सिंह है जो एक समय पर केसरगंज से सांसद तो जरूर थे, जाट और राजपूत वोट बैंक को साधने में अव्वल नंबर पर कहीं ना कहीं साबित होते हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन अब वही बृजभूषण शरण सिंह एक बड़े झटके से कहीं ना कहीं निकल नहीं पा रहे हैं। यौन शोषण का मामला दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका था। तमाम रेसलर्स ने, तमाम पहलवानों ने जिस हिसाब से बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए थे यौन शोषण के, जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी का विश्वास उनसे कहीं ना कहीं छिटक रहा है आने वाले समय में, इस बार तो बृजभूषण शरण सिंह केवल अपनी सांसदी खोए हैं, लेकिन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से हाथ भी खो सकते हैं। एक हाल ही में उन्होंने बड़ा बयान भी दिया है, जब से वक्फ की जो एक तरह से जो पूरी स्थिति संसद में कहीं ना कहीं शुरू हुई थी, उसको लेकर जिस हिसाब से झड़प कहीं ना कहीं भाजपा में और पक्षी पार्टी में शुरू हुई थी, उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह बड़ा बयान देते नजर आए थे, ना केवल वक्फ पर लेकिन राहुल गांधी की बनाई गई रणनीतियों पर और इंडिया गठबंधन में राहुल और अखिलेश की भाई भाई की जोड़ी पर। इस पर भी कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह बड़े बयान देते नजर आए। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति बनी हुई है, बृजभूषण शरण सिंह की जो स्थिति बनी हुई है कि लगातार बृजभूषण शरण सिंह पर तमाम बड़े बयान कहीं ना कहीं उनके खिलाफ उठाए जा रहे हैं, खिलाफत का मोर्चा बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उठ रहा है। क्या बृजभूषण शरण सिंह आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे या पार्टी का साथ छोड़ते नजर आएंगे, ये भी अब एक अहम मुद्दा बन चुका है। क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह की सांसदी कहीं ना कहीं जाना या उनकी सांसदी गवाह बैठना उनके लिए ही आने वाले समय में स्थिति को बिगाड़ता नजर आ सकता है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह बतौर एक सांसद जब से 2019 के समीकरण में कहीं ना कहीं अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते थे, उसके बाद से ही बीजेपी की स्थिति को मजबूत करते नजर आए थे, लेकिन 2024 में उनका टिकट काटना, टिकट को परिवार में ही बांटना, उनके बेटे को ही टिकट सौंपना और बृजभूषण शरण सिंह का योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान देना, मोदी शाह के खिलाफ बयान देना, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान देना। आप पहले अब उनका यह बयान सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। देखिए, एक बार इस देश की जनता ने थोड़ी सी सीटें उनको ज्यादा दे दी। मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, ये राहुल गांधी की काबिलियत पर नहीं मिला है, ये राहुल गांधी का काबिलियत नहीं है, ये कुछ समीकरण ऐसे बने, जैसे उत्तर प्रदेश से अखिलेश जी को जरा कांग्रेस से हटा दीजिए तो देखिए कि राहुल गांधी कितने बड़े योद्धा हैं। तो बैसाखी पर जो हर जगह टिके हुए हैं और आज वो चक्रव्यूह तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो अपनी तुलना जो है अर्जुन से कर रहे हैं, मनु से कर रहे हैं, जो खुद बैसाखी पर टिके हुए हैं, लेकिन ये लोग बड़े मुगालते में आ गए हैं और कहते हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मत पहले हर लीना। आप देखिए, इन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक होता है, ये राहुल गांधी की क्या सोच है, क्या उनके विचार हैं, उनका सलाहकार कौन है, वो स्वयं पछताएंगे। उन्होंने कहा हिंदू हिंसक होता है, क्योंकि ये चुनावी शोर था, ये मामला दब गया, लेकिन आने वाले समय में बड़ा मामला बनेगा, हिंदू हिंसक नहीं हो सकता।
तो राहुल गांधी क्या बोलते हैं, उनके कुछ लोग हैं जो वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी स्पीच तैयार कर देते हैं, वही वो बोलते हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि किस मंशा से ये नजूल विधेयक लाया गया, और या तो बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश नहीं की गई, और जो मंशा दिखाया गया कि जो इस पर जो है सरकारी कामकाज होंगे या सरकार अपने उपयोग में लेगी, लेकिन जैसे गोंडा शहर है, ये पूरा शहर 70% जो है नजूल पर बसा हुआ है, आगरा है, अयोध्या है, यहाँ तक कि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अयोध्या के जो प्रमुख मंदिर हैं वो भी नजूल पर हैं। तो इस तरीके से एक मंदिर नहीं टूटेंगे, हजारों टूटेंगे। सरकार की मंशा ठीक है, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता था, या उनको ये नहीं पता है कि कितने लोग बसे हुए हैं। उनको ये सरकार को या जो लोग, ये बताया गया कि नजूल के भूमि को कुछ भूमाफिया, कुछ बड़े लोग कब्जा करके रखे हुए हैं, उससे उनकी मुक्ति कराई जाए। लेकिन अगर एक लाइन में पूछा जाए तो इस कदम से उत्तर प्रदेश में भूचाल आ जाएगा। तो सुना आपने ब्रजभूषण शरण सिंह किस तरह से बेबाक तरह से तमाम बड़े बयान देते नजर आ रहे हैं। इस बार की उत्तर प्रदेश में जो चुनाव, लोकसभा चुनाव जो हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो एक करारी हार हुई है, उसका एक अहम कारण कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह भी माने जा रहे हैं, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी तमाम रणनीतियों को ला तो रहे थे, राजपूत और जाट वोट बैंक को साधने का प्रयास तो कर रहे थे, हिंदू धर्म की राजनीति को खेल तो रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश से सरकार कहीं ना कहीं बीजेपी की छिटकती नजर आई है, और अब कांग्रेस का जो दबदबा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, विपक्ष का दबदबा बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी ने इस बार यूपी में 37 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, भारतीय जनता पार्टी 33 पर सिमट चुकी है, और वहीं बड़े ऐसे चेहरे इस बार भारतीय जनता पार्टी नकारती नजर आई है, जिन चेहरों पर एक लंबे समय से बीजेपी विश्वास कर रही थी, उन्हीं चेहरों को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने छिटक दिया है। आने वाली स्थिति की बात करें तो उपचुनाव होने वाले हैं, और उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की अभी तक जो चुनावी लिस्ट है वो सामने नहीं आई है, प्रत्याशियों की सूची सामने नहीं आई है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 6 सीटों पर अपने चुनाव प्रभारी जो हैं वो उतार दिए हैं, मायावती ने अपने चुनावी प्रभारियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी उतार दिए, समाजवादी पार्टी ने भी अपने चुनावी प्रभारी घोषित कर दिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी समय ले रही है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी ऐसी स्थिति में है कि अगर प्रत्याशियों की सूची का ऐलान करना है तो किस सीट से किसको उतारना है, इस पर अभी भी जद्दोजहद जो है वो तेज मानी जा रही है। आपको बता दें कि हाल ही में पीलीभीत से भी वरुण गांधी टिकट काटा गया था, लेकिन अब की जो स्थिति है वो अब उत्तर प्रदेश में बदलती नजर आ रही है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह भी मुख्य चेहरे हैं, और जाटों का वोट बैंक और राजपूतों का वोट बैंक साधना इस वक्त यूपी में बेहद जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अब क्या रणनीति बनाएगी, योगी आदित्यनाथ की गद्दी कब तक सुरक्षित रहेगी, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह वो अहम चेहरा बन पाएंगे जिस चेहरे पर दांव आने वाले समय में बीजेपी चल पाएगी, या फिर जो कयासों का और अटकलों का दौर चल रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह किसी भी वक्त बीजेपी का हाथ छोड़ सकते हैं, अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह पर और उनकी रणनीतियों पर अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़। धन्यवाद।